Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। बात करने वाले हैं एलसीए तेजस के बारे में और एलसीए तेजस का अभी लिमा एग्जीबिशन के बाद मलेशियन गवर्नमेंट द्वारा इवेल्युएशन को लेके रोके जाने के बाद क्या वाकई मलेशियन गवर्नमेंट इसे खरीदना चाहती है या फिर खरीदने में सक्षम है, इस बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को अभी तकरीबन 24 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 12 लाइट कॉम्बैट ट्रेनर जेट की आवश्यकता है और उसी के लिए उन्होंने आरएफआई रिलीज किया था और इस आरएफआई के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी कंट्रियों को इन्वाइट किया था, उनमें से रशियन YAK-130, पाक चाइनीज JF-17 थंडर, कोरियन एयरोस्पेस द्वारा निर्मित FA-50 गोल्डन ईगल था और ऐसे ही कुछ और कंपनियां थी जिनको ये इन्विटेशन भेजा गया था और इन सब ने लिमा में पार्टिसिपेट किया। वहां पे तेजस ने भी परफॉर्म किया और तेजस ने बहुत एक्सपर्ट्स का वहां पे दिल जीता है। काफी मलेशियन एक्सपर्ट्स ने तेजस की प्रशंसा की है और तेजस ने वहां पे हर तरह की मनूवरिंग परफॉर्म करके दिखाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पे यह उठता है कि क्या रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए मलेशियन गवर्नमेंट कोई भी फाइटर खरीदने में सक्षम है, क्योंकि अभी मलेशियन गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रही है जिसकी वजह से वो अपने ही 18 मिग और 18 Su-30MKI फाइटर्स को रन कराने में सक्षम है, क्योंकि जो MiG-29 उनके पास है उसकी फ्लाइट कॉस्ट वो बियर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने 18 MiG-29 को फ्लाई करने से मना कर दिया है। वहीं पे 18 ही Su-30MKI की, जो कि तकरीबन काफी पुराना हो चुका है, जिसके लिए उनको ओवरहॉलिंग चाहिए थी और यहाँ भी फाइनेंस को देखते हुए उन्होंने इन सभी 18 Su-30MKM को रेस्ट पर रख दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एक अच्छे खासे बजट की आवश्यकता होगी जो कि मलेशियन गवर्नमेंट पे करने में असक्षम होगी। तो इसके लिए हो सकता है कि मलेशियन गवर्नमेंट कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढे, जैसे कि वो इस डील के बदले पाम ऑयल देना चाहें या फिर उनके अपने ही MiG-29 या फिर Su-30MKI बदले में देना चाहें। तो उस कंडीशन में तो ये कम्प्लीटली इंडिया और हेल्प पर डिपेंड करता है कि क्या इंडिया इस तरह के पेमेंट को एक्सेप्ट करता है या नहीं, और इस तरह के डेफर्ड पेमेंट ऑप्शंस चाइनीज और रशियंस अक्सर करते हैं, तो हो सकता है इस मामले में उन दोनों को अपर एज हो तेजस के कंपेयर में, क्योंकि वो इस तरह के पेमेंट करने में सक्षम है। अगर इंडिया भी इस तरह के पेमेंट लेता है तब उस हिसाब से एलसीए तेजस सबसे आगे चल रहा है इस कंपटीशन में, और वैसे भी एलसीए तेजस JF-17 और YAK-130 से काफी एडवांस है और जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी इन दोनों से ऊपर है। और ये सवाल कहीं ना कहीं मलेशियन एयरफोर्स और मलेशियन गवर्नमेंट दोनों के जहन में होगा कि किस तरह के मोड ऑफ पेमेंट को ऑप्ट करना है। वैसे तो अगर आप टेक्निकल वैल्यू से देखोगे तो एलसीए तेजस इस कंपटीशन में सबसे आगे दिख रहा है। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज के दूसरे डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि लास्ट मंथ हुए डॉग फाइट में इंडिया ने यह क्लेम किया था कि हमने एक F-16 मार गिराया है, पाकिस्तानी F-16 को काउंट किया है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक सारे F-16 एग्जैक्ट अमाउंट में पाए गए हैं और उनके मुताबिक कोई भी ऐसा F-16 शॉट डाउन नहीं हुआ है, तो ये रिपोर्ट ये कह रही है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद ही इंडियन ऑफिशियल्स ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है और इंडियन ऑफिशियल्स का मानना है कि उन्होंने F-16 मार गिराया है। और मीडिया से बात करते हुए एक IAF के ऑफिशियल ने बताया कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो USA कि वो एक्सेप्ट कर ले कि एक 60-year-old रशियन MiG-21 ने F-16 को मार गिराया, ये वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो भी तब जब वो दूसरी तरफ MMRCA-2 में पार्टिसिपेट कर रहे हो F-16 को लेके। अगर वो इस दौरान ये एक्सेप्ट कर लेते कि F-16 गिरा है तो इस कंपटीशन में F-16 के लिए सर उठा के नहीं पार्टिसिपेट कर पाते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो अभी डिनायल मोड में है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, MMRCA-2 में 114 फाइटर की रिक्वायरमेंट है IAF को। तकरीबन 7 वेंडर्स को इनवाइट किया गया है, उसमें से लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित F-16 में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। और इतने बड़े डील को कोई भी अपने हाथ से जाता हुआ नहीं देखेगा, और जिसका परिणाम है US भी इसे एक्सेप्ट करने से पीछे हट रहा है कि उसका F-16 गिरा है, जबकि दूसरी तरफ जो F-16 पाकिस्तान को दिया गया था वो F-16 जॉर्डेनियन एयरफोर्स ने दिया था और जो कि F-16C/D था ब्लॉक 20, और जिसे मिड लाइफ अपग्रेड के थ्रू ले जाके MRAM मिसाइल इंटीग्रेट करने की सलाहियत दी गई थी। लेकिन यहाँ पे जो काउंटिंग हुई है, जो US ने काउंट किया है, वो सिर्फ वही एयरक्राफ्ट काउंट किए हैं जो कि US से सप्लायर थे, न कि किसी थर्ड पार्टी से। और 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन 12 F-16 जॉर्डेनियन एयरफोर्स से पाकिस्तान ने लिए थे और इस मिशन में जॉर्डेनियन F-16 ही इन्वॉल्व थे। और जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, 28 फरवरी को एक मीडिया को दिए गए रिपोर्ट में गफूर ने, और ये मीडिया से कहा भी था कि उन्होंने 3 इंडियन पायलट पकड़े हैं और उसमें से एक को उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, वो काफी गंभीर रूप से जख्मी है। और बाद में ऐसी खबरें आई थी कि वो एक इजरायली पायलट है, जबकि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल सस्पेक्ट है जिसे वो लोग इजरायली पायलट बता रहे थे,
हो सकता है वो जॉर्डेनियन पायलट हो और उसे हॉस्पिटल में इलाज के बाद जॉर्डन भेज दिया गया हो, क्योंकि इजरायली पायलट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यूएस ने भी अपने F-16 की झूठी शान बचाने के लिए इस काउंटिंग रिपोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।